नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज़। आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने छठ महापर्व 2024 की तैयारियों को लेकर गंगा घाटों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था के महापर्व छठ 2024 के मद्देनजर छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टीमर द्वारा नासरीगंज घाट से कंगन घाट तक के विभिन्न गंगा घाटों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ व्रतियों को अर्घ देने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। छठ व्रतियों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखें। छठ व्रतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों का निर्माण करें। गंगा नदी के जल स्तर एवं प्रवाह को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें। छठ घाटों के पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत बैरिकेडिंग कराएं। घाटों के पहुंच पथ एवं गंगा नदी किनारे की सड़कों के पास भी छठ व्रतियों के सुचारू आवागमन हेतु बैरिकेडिंग कराएं। ये भी सुनिश्चित करें कि छठ व्रतियों की सुरक्षा के साथ साथ उनको हर प्रकार की सहूलियत मिले। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर साइनेज संकेतक चिन्ह का प्रयोग कर छठ व्रतियों को वहां पर की जा रही व्यवस्थाओं, आने जाने आदि के बारे में जानकारी दी जाए। छठ पूजा के दौरान माइकिंग के माध्यम से छठ घाटों पर की गई व्यवस्थाओं एवं अन्य सूचनाओं के संबंध में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को लगातार जानकारी दी जाए। छठ घाटों तक छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए सुगम ट्रैफिक व्यवस्था कराएं ताकि छठ व्रतियों का आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। छठ घाटों पर शौचालय टॉयलेट का भी इंतजाम कराएं ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। छठ घाटों पर साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था रखें। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, अपर पुलिस महानिदेशक स्पेशल ब्रांच सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह, पथ निर्माण विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक, पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेश पारासर, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र प्रसाद सहित अन्य वरीय पदाधिकारी गण उपस्थित थे। छठ घाटों का निरीक्षण करने के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व की तैयारियों को देखने हम बराबर छठ घाट आते हैं। आज भी छठ घाटों का निरीक्षण करने यहां आए हैं। छठ व्रतियों के लिए सारा इंतजाम अच्छे से किया जा रहा है ताकि उन्हें पूजा करने में कोई कठिनाई ना हो। छठ व्रतियों को घाट किनारे पूजा करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से की जा रही हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ आपकी आवाज़।